Hello everyone, how are you? Hope you all will be fit and fine. Today we are going to start a new chapter for class 10, that is polynomial. This is the chapter 2 of class 10. In this video, we will cover the basics of polynomial and relation between zeros and its coefficient of polynomial. So, शुरू करते हैं basics से, जो कि हमने polynomial 9th standard में भी पढ़ा हुआ है. तो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सबसे पहले आपको पॉलीनोमियल पढ़ाने से पहले मैं बताती हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर. क्या होता है कॉम्बिनेशन? कांस्टेंट का, वेरिएबल का और ऑपरेटर का. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, तो आपने देखा ये सभी क्या है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है. तो ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं. ठीक है, लेकिन अब बात आती है पॉलीनोमियल की. तो पॉलीनोमियल क्या होते हैं बेटा? पॉलीनोमियल होते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उन सभी को हम पॉलीनोमियल बोल सकते हैं तब जब उनके एक्सपोनेंट क्या हो, होल नंबर हो. तो आप इन सभी एग्जाम्पल में देखो कि होल नंबर मतलब एक्सपोनेंट, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हो वो होल नंबर हो. तो ये इस वाले में फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा कि हमारे पास जो x प्लस 4 है ये क्या है, एक पॉलीनोमियल. क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है x का वो क्या है, होल नंबर. लेकिन बाकी सभी में अगर आप देखो, इन सभी में, तो ये क्या है, ये एक पॉलीनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है बेटा, रूट x का मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 3/2. एक कैसा नंबर है ये, रैशनल नंबर है. x की पावर 0.8, x की पावर -5. तो आपने देखा सभी वेरिएबल में जो पावर थी, जो एक्सपोनेंट था, वो होल नंबर नहीं था. इसीलिए ये सारे क्या है, इनको हम पॉलीनोमियल नहीं कहते. तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल पे. डिग्री क्या होती है कि जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है पॉलीनोमियल का, हाईएस्ट जो पावर होती है पॉलीनोमियल की, उसे आप डिग्री बोलते हो. अगर डिग्री 1 रहती है डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल में, अगर डिग्री 1 रहती है तो वो पॉलीनोमियल लीनियर पॉलीनोमियल बोलता है. डिग्री 2 रहती है तो पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक होता है. डिग्री 3 होने पर पॉलीनोमियल क्यूबिक पॉलीनोमियल बोलते हैं. अब बात कर लेते हैं हम जर्नल फॉर्म क्या होती है इनकी. जर्नल फॉर्म में ये कैसे लिखे रहते हैं, ये तो क्वेश्चंस की डिग्री की फॉर्म बात हमने की. अब देखते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलीनोमियल. जर्नल फॉर्म जैसे कि लीनियर पॉलीनोमियल की जर्नल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी. यहाँ पे ए और बी आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो नहीं होगा. दूसरी बात, दूसरा पॉलीनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये साथ साथ आप नोट भी करते जाएंगे कॉपी पेन लेके. तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी सी रियल नंबर होते हैं और ए नॉट इक्वल टू जीरो. इसी तरह से क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होता है, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें ए बी सी डी सब क्या होते हैं, रियल नंबर और ए नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये हमने बात की जर्नल फॉर्म के बारे में. आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इनका यूज हम आगे करने वाले हैं. ठीक है, अब देखते हैं जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है. मान लो आपके पास कोई पॉलीनोमियल और मैं कहूँ कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल आप निकालो, तो आपने नाइन्थ में निकाल रखा है, कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए. जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकालें. जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल का मतलब एक्स की हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और जिस वैल्यू को पुट करने पर हमारा ये पॉलीनोमियल जीरो बन जाएगा, वही वाली वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल होगी. जैसे कि मैंने 1 पुट किया तो -3 आया, 2 पुट किया -2 आया, 3 पुट किया -1 आया और मैंने 4 पुट किया तो 0 आ गया. तो जो 4 वैल्यू है वो क्या है इस पॉलीनोमियल के लिए, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, क्योंकि इसी वैल्यू को पुट करने पे ये पॉलीनोमियल जीरो बन गया. तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4. ठीक है, अब आते हैं हम जर्नल की. जर्नल जो फॉर्म है लीनियर पॉलीनोमियल की, उसके जीरोस कैसे होंगे. तो जर्नल फॉर्म जो है आपकी लीनियर पॉलीनोमियल की, उसके जीरो हमें पता तो नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं कि मान लो कि कोई जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है. बेटा अगर 4 जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल था तो पी 4 की वैल्यू क्या आई थी, जीरो. तो अगर के जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल होगा तो पी के भी क्या होगा, जीरो, 100% जीरो ही होगा. तो अब इस पॉलीनोमियल में बेटा जो जर्नल फॉर्म है इसमें हम x की जगह k पुट करके देखते हैं. k पुट करके देखा हमने तो ए के प्लस बी आया, तो पी के मेरे पास क्या है, जीरो. तो जीरो इज इक्वल्स टू ए के प्लस बी. तो यहां से हमारी जो k है उसकी वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस बी अपॉन में ए. अब आप देखिए कि माइनस बी अपॉन में ए बेटा क्या हुआ, सो द जीरो ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल ए एक्स प्लस बी.
एक्स प्लस बी जो लीनियर पॉलिनोमियल था जो कि जर्नल फॉर्म थी एक्स प्लस बी, उसका जीरो क्या आया, माइनस बी अपॉन में ए आया। और अगर आप माइनस बी अपॉन ए की बात करें तो जो ये बी है इस पॉलिनोमियल में बी क्या था, कॉन्स्टेंट टर्म था, और ए क्या थी, कॉफिशियंट ऑफ एक्स था। तो आपने देखा कि जो कॉफिशियंट है और जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है लीनियर का, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया कि माइनस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगा वो माइनस बी अपॉन में ए होता है, और बी और ए क्या है, कॉन्स्टेंट और कॉफिशियंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब एक्स के कॉफिशियंट हैं और कॉन्स्टेंट टर्म है बी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसी चीज़ को, यहाँ पे हम इसे दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि हमें कंपेयर करना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं पी थ्री एक्स प्लस फोर। इस क्वेश्चन को आपको जीरो पुट करने, मतलब कि इस पॉलिनोमियल आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा, आपको ये पता है कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो कॉफिशियंट से रिलेटेड होता है, मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल के क्या आते हैं, माइनस बी अपॉन में ए। बस इस माइनस बी अपॉन में ए वैल्यू पुट करनी है सिर्फ आपको। तो यहाँ पे जो बी है बेटा इस पॉलिनोमियल का, थ्री एक्स प्लस फोर जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका बी क्या है आपके पास, 4, और a क्या है आपके पास, मतलब कॉफिशियंट ऑफ x क्या है, 3, जो कि a होता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आपके पास b है 4, मतलब माइनस फोर अपॉन 3। तो आपने देखा कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल को ना तो जीरो के इक्वल रखना पड़ा और ना ही पॉलिनोमियल को आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ा कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। डायरेक्ट आपको वो रिलेशन पता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कॉफिशियंट के बीच में। तो ये सबसे हमें किस चीज़ में बेनिफिट करता है कि फटाफट आंसर देने में हमारी हेल्प करता है। तो हमने डायरेक्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कॉफिशियंट के बीच में रिलेशन हमें पता चल गया था लीनियर पॉलिनोमियल का, हमने उसमें वैल्यू पुट की और हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया। तो अब देखते हैं बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं वो रिलेटेड होते हैं उनके कॉफिशियंट से। ठीक है, तो आप ये बताइए कि क्या ये बात सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉफिशियंट रिलेटेड होते हैं उसके जीरो से। चलिए देख लेते हैं, रिलेशन देख लेते हैं कि हमने देखा रिलेशन लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या आया उसके जीरो से, माइनस बी अपॉन में ए आया। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या कह सकते हैं, क्या निकलेगा हमारा, कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कॉफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कोई रिलेशन होगा इनके बीच में, देखते हैं कि कोई रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक क्वेश्चन लेकर देखना है पॉलिनोमियल का। हमने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो जब हमने क्वेश्चन लिया तो हमने इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, हमने इसके स्प्लिटिंग मेथड से बेटा हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक 2 और एक 3, और वो 2 और 3 क्या होंगी, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल होंगे। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो आती हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो कितनी आती है, एक, उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरो आ सकती हैं, दो। ठीक है, अब ये बात, अब ये चीज हम जर्नल फॉर्म के लिए जरा प्रूव करके देखते हैं कि अगर कोई चीज जर्नल फॉर्म के लिए बेटा ट्रू होती है तो वो सबके लिए ट्रू होती है। जैसे कि मैंने लीनियर के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल में जो रिलेशन निकाला था वो जर्नल के लिए निकाला था, और वो जर्नल के लिए अगर ट्रू था तो इसका मतलब मैं उससे, उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक के लिए जर्नल के लिए निकालते हैं, जर्नल फॉर्म के लिए रिलेशन निकाल के देखते हैं। तो लेट, तो दो जीरो होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, कितनी जीरो आएंगी, दो, वो जीरो हम लेट कर लेते हैं, जैसे हमने k को लेट किया था लीनियर पॉलिनोमियल में। उसी तरह से हम यहाँ पे अल्फा और बीटा दो जीरो लेट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो अगर अल्फा और बीटा दो जीरो हैं तो फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। कैसे, जैसे कि 2 और 3 जीरो थे तो इनके फैक्टर क्या थे, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसी तरह से अल्फा और बीटा अगर जीरो है तो फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हम क्या करते हैं कि ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके फैक्टर क्या थे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यही थे। अब इसको लिखने का फॉर्मेट होता है बेटा के लिखते हैं हम, स्टार्टिंग में जो लिखते हैं के, जो कि के एक कांस्टेंट टर्म होती है हमारे। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो फॉर्मेट आया वो इस तरीके का आया, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में के अल्फा बीटा। अब आपको करना है क्या कि जो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और एक कांस्टेंट टर्म है, इन तीनों को लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म है, आप इसकी जो पावर है, जो कॉफिशियंट है, एक्स स्क्वायर
एक्स और कांस्टेंट टर्म, इनको कंपेयर करेंगे। तो आपने देखा लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो क्या है, ए, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, के। इसी तरीके से एक्स का कॉफिशियंट क्या है, बी, और यहाँ पे एक्स का कॉफिशियंट क्या है, के अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से सी क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, के अल्फा बीटा, मैंने कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू के हमारे पास आ गया। अब बी की वैल्यू अगर हमें देखें तो अल्फा और बीटा क्या थे, हमारे रूट हमारे जीरो थे, तो मुझे तो इनकी वैल्यू निकालनी है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन में के। तो बेटा के की वैल्यू हमारे पास है क्या, ए, मुझे के को तो रखना नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो के की वैल्यू क्या है, ए। तो मैंने के की जगह क्या पुट किया, ए, और मैंने क्या देखा यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अल्फा प्लस बीटा जो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसका रिलेशन क्या है, उसके कॉफिशियंट से आ गया माइनस बी अपॉन में ए। इसी तरीके से अल्फा बीटा जो है उसका भी रिलेशन क्या आ गया, सी अपॉन में के, और के की जगह क्या रख देंगे, ए, तो सी अपॉन में ए। अब आप देखो अल्फा और बीटा क्या थे, जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा को क्या नाम देते हैं हम इस चैप्टर के अंदर, इसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ द जीरो, और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो आता है माइनस बी अपॉन में ए, जिसमें कि बी क्या है कॉफिशियंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपने यहां पे बिल्कुल साफ साफ देख रहे होंगे कि जो जीरो है सम ऑफ द जीरो, उनका रिलेशन उनके कोफिशिएंट से आ गया। तो यही इस जो क्लास का जो एम था आपका मुझे करवाना, कि सम रिलेशन बताना था किसके बीच में, कि जीरो और उसके कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है और उसके जीरो के बीच में एक रिलेशन होता है, और वही है ये रिलेशन। सम ऑफ द जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, सी अपॉन में, और सी, ए और बी आपको पता चल गया होगा क्या है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि ये हेल्पफुल है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो एक्सरसाइज 2.2 में आपकी आने वाली है। अब आप ये देखिए कि जो ये रिलेशन है वो लीनियर इक्वेशन के लिए हमने जर्नल फॉर्म के लिए निकाल लिया, यही रिलेशन हमने क्वाड्रेटिक के लिए भी निकाल लिया, मतलब जर्नल फॉर्म की, जर्नल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसके लिए निकाल लिया। तो अगर कोई चीज जर्नल फॉर्म के लिए बेटर ट्रू है, तो इसका मतलब उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन दे सकते हैं उन सबके लिए वो ट्रू है, ठीक है। तो अब ये बात देखते हैं कि क्या ये लीनियर के लिए ट्रू था, ये क्वाड्रेटिक के लिए ट्रू है, तो क्या ये क्यूबिक के लिए भी होगा, बिल्कुल होगा। अगर क्वाड्रेटिक के लिए तो क्यूबिक के लिए, क्यूबिक के लिए कैसे होता है, तो क्यूबिक के लिए हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म होती है। तो देख लेते हैं, जैसे कि बेटा लीनियर इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास एक रूट होता था, मतलब कि एक जीरो होती थी, क्वाड्रेटिक में कितनी जीरो होती थी, दो जीरो होती थी। तो इसी तरीके से हमारे पास क्यूबिक में कितनी जीरो होंगी, ज्यादा से ज्यादा तीन जीरो होंगी। तो उन तीन जीरो को आप क्या लेट करोगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक में आपने अल्फा और बीटा लेट किया, तो क्यूबिक में आप क्या लेट करोगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ द जीरो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका माइनस बी अपॉन में होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन में ए होता है, और अल्फा बीटा गामा आपका माइनस डी अपॉन में ए होता है। तो ये रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरो और उसके कॉफिशियंट के साथ। समझ में आ गया किसका रिलेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन आपको मैंने बताया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कॉफिशियंट के बीच में ये रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन ही आपको याद रखना है, मैंने आपको प्रूफ करना सिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर जिसके बेसिक्स थे इस चैप्टर के। अब आपका एक बेसिक अभी छूट गया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हम, तो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल आपको मैं समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी बेसिक के अंदर ही इंक्लूडेड है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, होप सो कि आपको वीडियो समझ में आएगा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।